देखिए प्राइमा फेसी ये सुइसाइड का केस है। मिस जिया खान अलियास नफीसा खान जो कि हमारी उनसे उनकी माँ से बात हुई, प्राइमा फेसी वो एक डिप्रेशन के स्टेज में सर्कमस्टेंसेस और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से प्राइमा फेसी, अभी डॉक्टर से हमें रिपोर्ट नहीं मिली है लेकिन ओरल जो कॉन्वर्सेशन हुआ उसमें हैंगिंग की वजह से इनकी डेथ हुई है। लेकिन जो भी रीजंस है उसके बारे में हम उनके कॉल डिटेल्स और उनके कॉन्वर्सेशन से हुए, कल उनका एक बुके बाहर फेंकने के लिए भी वो आई थी, तो उसके हिसाब से हम रूट तक जाएंगे जिनसे उनका कॉन्वर्सेशन हुआ है, उनको भी हमने पुलिस स्टेशन में बुलाया है और पूरी तहकीकात होने के बाद इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। सर अगर भी ऐसा ये भी खबर आ रही है कि आदित पंचोली की जाएगी, आदित पंचोली के बेटे से पूछताछ की जाएगी, प्राइमरी पीसी लास्ट कॉल उनका हुआ है तो उनसे डेफिनेटली हम पूछताछ करेंगे। अभी तक नहीं, अभी तक सुइसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है लेकिन उनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन जो है और जो SMS है उसके हिसाब से हम देखेंगे। सर जो आखिरी कॉल था वो आदित पंचोली के बेटे का ही था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आत्महत्या कितने बजे हुई है तकरीबन कॉल? ये 10:53 से लेके 12 अराइवल, मम्मी से कितने थी जा? 10:53 टू 11:22 PM के बीच में ये इंसिडेंट हुआ। उनकी माँ से हमने बातचीत की कि किसी ने उसको उनको चीट किया था या कोई तकलीफ कोई दे रहा था, उसके बारे में उन्होंने प्राइमा फेसी हमें बताया कि कोई फिनेंशियल चीटिंग उनका नहीं हुआ था लेकिन जो भी इमोशनल टर्बुलेंस में वो जा रही थी उसके बारे में हम उनके बॉयफ्रेंड और जो भी कॉन्वर्सेशन जिनके साथ हुए हैं उसके बारे में पूरी तहकीकात होगी। थैंक यू।